मणिपुर हिंसा रोकने के लिए खड़गे ने पीएम मोदी से की बड़ी सियासी अपील। यानी क्या कहा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने मणिपुर में हिंसा के मामले को लेकर सोमवार को कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है और सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को अपने पद से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मणिपुर में सभी पक्षों से बातचीत करके साझा राजनीति समाधान निकाला जाए। खड़गे ने ट्वीट किया ऐसी खबर है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, उग्रवादी संगठन और असामाजिक तत्वों के पास से हथियार जब्त करें, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीति का रास्ता निकाला जाए, सुरक्षा बलों की मदद से नाकेबंदी खत्म करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलकर और सुरक्षित कर आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध सुनिश्चित करें। प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी किए तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। खड़गे ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार का कोई भी दुष्प्रचार मणिपुर में उनकी घोर विफलता का पर्दा नहीं डाल सकता है। मणिपुर में मेईती और कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जाति हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति ST के दर्जा देने की मेहती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गई हैं। मणिपुर में 53% आबादी मेईती समुदाय की है और ये प्रमुख रूप से इम्फाल घाटी में रहती हैं। वहीं नगा और कुर्की जैसे आदिवासी समुदाय की आबादी 40% और ये मुख्यतः पर्वतीय जिलों में रहते हैं। और यह आग लग चुकी है मणिपुर में और मोदी विदेश में घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी को पहले मणिपुर संभालना चाहिए फिर बाद में विदेश में अपना घूमना चाहिए? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।